ਵਾਸੀ ਮਲੰਗਾ ਨੇ ਮੋਸੇ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਸਵੰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਕਿ ਸਰ ਜਿਸ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਹਲਕੋ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੇ ਅਬ ਛੂਟਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਹੁਆ ਉਸਮੇ ਬੰਦੂਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਹਾ ਤਾ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਸਵੰਤ ਕੋ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਸੁਬਹ ਥੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ। ਅਬ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਨਾ कि मैं लड़ लूँ मैं परिवार प्रशासन को छोड़ दे, प्रशासन बड़ी चीज है, मैं अकेला तेरे परिवार में तेरे घर पर आ जाऊँ, तू मर्द है तो मैं तेरी दो हाथ हो जाए, दो घंटा का प्रशासन गैप दे और जब पता हुआ तेरे परिवार में बाबू महाराज को मानते उसकी कसम खाता हूँ मैं अकेला आऊंगा और मैं तेरे परिवार की जब पता भाई गाली देने से क्या होता है, क्या तू नाटकबाजी करवा रहा है, गर्भदाई तेरे बाबू नहीं कर सकता मेरी गर्भदाई। और गहलोत साहब से कहता अगर गुजरों अगर ठाकुरों ने सरकार बनाई है तो उनकी वजह नहीं तो सबका खुद ही न्याय ईमानदारी का न्याय कर। इसमें विधायक बहुत रोहत भरा भी है, बैरवा भी है बसड़ी से, वो भी बीएल की घरवाली है, इनको तो कह रही इसको क्या है जी चाहता है कि राज नहीं चलेगा, ऐसे एक तरफ राज नहीं चले गुजरों में दूध देता है मार देता है किसी को कोई काम ही नहीं करता है, ऐसा जी विधायक है तेरी सरकार बनाने के लिए राजस्थान में एक मलंगा से गलत सरकार बने ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी लड़ रहे इसके लिए छूट पटी गाड़ी कुछ तिलंगी कह रहे ने अपनी माँ ने दूध तुम्हारी पिए तेरी कोठी बुला ले प्रशासन को दो घंटे के लिए गैप और मैं बहुत ही कसम खाता हूँ अकेला, जब पता पड़ेगा कौन की माँ ने दूध पिया किसी ने कच्चा पिया कर रही जाएगा किसी ने सेहत नहीं कर दिया है। अब मलंगा मैं जगन गुजर और जसवंत को मारने के लिए साझेदारी में नहीं मारा इसलिए मुझसे खिलाफ है और तू लड़ ले तेरी मर्जी पर है जब और तू प्रशासन भर प्रशासन के लंबे हाथ होते हैं तेरी मर्जी हो तू गर्भदारी दसने के तो दसमु इन्ना 10 साल भी कर ले मेरी तो मैं गुजर से पैदा तू सारे घोड़े से पैदा नहीं। अब मेरे में उसमें क्या फर्क रहा जिग मेरे से चैलेंज दे रहा है कि जहां डंग जंगला तेरी माना दूरी की मैं बाड़ी जाऊंगा तेरे घर पे प्रशासन को रोक। अब मैंने कहा था इसने मुझे उसमें क्या फर्क रहा था कुछ नहीं, इसने मोटरसाइकिल चोरी पहले बदमाश था मोटरसाइकिल चोर था मैं डकैत रहा मैंने बाड़ी में कभी चंदा नहीं किया बदमाश था अब क्या चंदा करूंगा मैं इसके लिए छुट्टी पट्टी इसकी पीठ पर जबरा इसकी घर पाओ प्रशासन रोक जब पता पड़े मोन ली 5 मिनट के लिए मैं तुझे तमाशा दिखा दूंगा जगह ने गुजर क्यों होते हैं कौन ठाकुर होते हैं तू क्या ठाकुर नहीं तो सारे ठाकुर ठाकुर ही रहते हैं पश्चिमी रास्ते में ठाकुर हैं एमपी में ठाकुर हैं पर तेसरे अन्ना किसी ने किया है जहां भी बहुत बहुत ठाकुर विधायक हैं सांसद हैं पर तेसरे अन्ना ने किया है सो तेरे और तेरे परिवार का नाम निशान मिले ना मैं कोई इतना वो कमजोर आदमी नहीं कैसे टुटपुंजिया से मैं डरता हूँ समय देवे समय को नहीं दे रहा टिचा डब के ना ही काम बैठ गया एक रजाई में डबक के ना ही बैठ गया वहां से बैठा बैठा वीडियो बना वायरल करता है चूहे की तरह डर के ना ही बैठ चुका है अगर इसमें हिम्मत तो आएगा ना छोटे मुकाबला करने के लिए क्यों नहीं आता मेरे घर पर आप लोगों ने देखा होगा आपका पत्रकार कोई है क्या मेरे घर पर पुलिस फोर्स बतावा मैंने कोई सुरक्षा नहीं ली है मैं तो सिर्फ इसका इंतजार कर रहा हूँ कि तू ऐसे मोबाइल पर वीडियो डाल कर नहीं समय दे मुझे पहले कि कब मेरे घर पर आ रहा है चैलेंज करके नहीं आ तू अपनी बाप की और आदत तो मुझे चैलेंज करके नहीं आ जब मैं तुझे बताऊंगा कि तू मर्द का बच्चा है मैं मर्द का बच्चा हूँ जब तुझे तेरी औकात बताऊंगा साले छोटे तेरी औकात क्या है जो मुझे धमकी दे रहा है मेरे परिवार को धमकी दे रहा है और मेरे बाजार का मंगवा के नहीं देखना बाजार में तू कितनी फायरिंग करता है कितनी लोगों के सामान ले गया होटल वाले से खाना भर के नहीं ले गया पैसे नहीं दे के नहीं गया होटल वाले को हिम्मत तो आए कि नहीं देखा ना तो बक ना ही कमर जाए आ जा छोड़े में पूरी बधाई की बात है आपने कही तो पूरी बधाई को मरवाने के लिए आपने और केसर सिंह ने दिया तो केसर सिंह का जान कह लेना देना और मेरे को पूरी बधाई से क्या खतरा है मेरी पूरी बधाई की राजनीति लड़ाई हो सकती है पर कोई जाति और मतलब वैसे कोई सामाजिक लड़ाई नहीं है कहीं कि मेरी उनसे कोई जातिगत लड़ाई हुए या तो राजनीति लड़ाई तो हर जगह चलती है कोई मेरी कोई इससे कोई मानसमरी का वैर नहीं है मेरी कोई लड़ाई नहीं है ये तो सिर्फ फालतू की बातें कर रहा है अपने बचने के लिए और ऐसे कर्म सारे इसे इस गनौड़े इससे मैं कराता क्या ये मुझे मिलता आज तक तेरे डकैत रह गए जगजीवन पड़ा रह गया मुकेश ठाकुर रह गया जो आपके राजा किरा से दो तीन लोग आ गए तमाम लोग मैंने आज तक किसी जगह से आपने अगर आज तक मेरे कहीं संबंध देखने का कोई संपर्क देखा जैसे मेरी बरादरी के थे राजपूती थे मैं संबंध रखता कोई संपर्क रखता इनसे रखता
जैसे टुच्चे से ही मैं संबंध रखता क्या, तो इस पर मैं ये कर्म कराता ये दो कौड़ी के से, इसकी औकात क्या है चोर की। अभी ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, बोलने का तमीज तो है नहीं, छुट्टिया काट के आपका ये कर दूंगा। अरे ब्राह्मणों का श्राप लगेगा, तेरी सातों गत हो जाएगी। ब्राह्मण का सम्मान दुनिया करती है, मैं भगवान राम ने किया, हम लोग भी करते हैं। ब्राह्मण ही हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय है और पूजते हैं। आज हम लोग भी ब्राह्मण के पैर छूते हैं, सब लोग छूते, मैं भी क्या छूटा, बड़े बड़े छूटे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सभी लोग ब्राह्मण का सम्मान करते हैं और ब्राह्मण ही पूजे पूजी रहेंगे। ऐसे पिछड़ों से ब्राह्मण समाज पर और अन्य किस कार्रवाई करेगी, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो पुलिस के खिलाफ भी लोग इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो पुलिस मजबूर हो जाएगी कार्रवाई करने के लिए। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करेगी, गुंडे के खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो भले लोगों के लिए पुलिस कार्रवाई करेगी क्या, पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। नहीं, चर्चा ये है कि सरकार आपकी है, सरकार के विधायक आप और आपके ही पुलिस प्रशासन उसमें है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, अब इसका कुछ खाना तो है नहीं, ये तो घर को छोड़कर भाग गया, इसका शर्म तो है नहीं, बस मोबाइल में वीडियो बना के ना डाल देता, बस उससे बॉस हो जाता है कि बहुत बड़ा बॉस। अरे दादा, अगर इतना ही बड़ा बॉस है तो फिर चौड़े में निकल कर नहीं आना, मैं तो चौड़े में घूम रहा हूँ, धमकी किसको दे रहा हूँ, अभी आपके सामने बैठा हूँ, अभी धौलपुर जा रहा हूँ। और जी अगर कहते हैं इसको रोजाना के कार्यक्रम बता के नहीं जाऊँ, कितने बजे इस गाँव में जा रहा हूँ, इतने बजे इस गाँव में जा रहा हूँ, इसको कहा बताऊँ, जो कोई मेरा मालिक है कौन है जी। अब कह रहा है एस पी जा कर उसके घर पर जाता है, और मेरे घर पर तो एस पी आता है, कलेक्टर भी आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्री भी आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं, मेरे यहाँ तो गहलोत साहब भी कई बार आ चुके, मेरे यहाँ पायलट साहब भी कई बार आ चुके, मेरे पास पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा महेंद्रजीत मालूम तमाम मंत्रिमंडल के लोग मेरे साथ में, सभी मेरे तो घर पर आते हैं। तेरे यहाँ चोरों के यहाँ घर आएंगे कहाँ, छोटे तेरी औकात क्या से तेरे घर पर आएंगे, तेरे घर पर बैठने के लिए जगह नहीं। और मेरे से कहता है कि मोटरसाइकिल चोर है वो, तेरी औकात क्या है, मेरे दादा परदादा मेरे यहाँ के जमींदार जागीरदार रहे, राज साहब रहे हैं, तेरी औकात क्या, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है मेरी, और मैंने नहीं खरीदी 75 में, तो मेरे परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ, उससे पहले तो मेरे घर वालों को जीप थी, 80 में ट्रैक्टर थी, मोटरसाइकिल थी। चोर तेरे पास जब साइकिल भी नहीं होगी, आज भी तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू चोर है और चोर ही रहेगा, मेरी क्या और करेगा। अब जमीन जायदाद कोई मैंने तो खरीदी नहीं है MLA बनने के बाद में, जो तो मेरे बाबा के नाम से चली आई है, मेरे पिताजी के नाम से आई है, अब ये लोग कहता है साहब मेरे को राशन का लगा रहा है। अब इससे पहले जे मैं तो 2008 में आऊँ, 2008 से पहले इसमें 95 में 96 में 94 में एवं करीब 70-75 मुकदमे इस पर लगे हैं 2008 तक। वो कौन है लगाए, वो कहा मैंने लगा दी। इससे मैंने कही कि जाकर ना तू बाजार में फायरिंग कर, जैसे कर्म करेगा जैसे भुगतेगा, राशि का लगेगी सब लगेगी, पिटाई भी होगी, इंतजार कर, निकल कर नहीं आ बात, ऐसी हालत तेरी कर दें कि तू याद रखे, तेरी वो हालत कर दूँ कि तू जीवन भर के का याद रखे, चूहा की तरह दबक्के का बेटा, गोली चला तो गोली चलाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ इसका, और हाथों से लड़ा तो हाथे लड़ने मेरे से तलवार उठा। पूरी बधाई की बात है, आपने भी तो पूरी बधाई को मरवाने के लिए आपने और केसर सिंह ने किया, तो केसर सिंह का यहाँ क्या लेना देना, और मेरे को पूरी बधाई से क्या खतरा है, मेरी पूरी बधाई की राज